आप तो जानते ही हैं कि जब चुनाव का समय निकट होता है तब आमतौर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है। हम भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके समक्ष लेकर के आएंगे। इस बार एक दिशा निर्देशक बातें लेकर के देश की वित्त मंत्री निर्मला जी हम सबके सामने कल अपना बजट पेश करने वाली है। साथियों, मुझे विश्वास है कि देश नित्य प्रगति की नई नई ऊंचाइयों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है। सर्वस्पर्शी विकास हो रहा है, सर्वांगीण विकास हो रहा है, सर्वसमावेशक विकास हो रहा है। ये यात्रा जनता जनार्दन के आशीर्वाद से निरंतर बनी रहेगी। इसी विश्वास के साथ फिर आप सभी को मेरा राम राम। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2024 की राम राम करते हुए नजर आए और इसी के साथ उन्होंने अपने वक्तव्य की शुरुआत की। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर, वक्तव्य पर अगर आप गौर करेंगे तो विपक्षी सांसदों को बड़ी नसीहत देते हुए भी वो नजर आए, क्योंकि हम सबको ये याद है कि पिछले सत्र में किस तरह से 146 सांसदों को सस्पेंड किया गया था, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड था। आमोद राय हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, 100 लोकसभा के सांसद, 46 राज्यसभा के सांसद, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया था पिछले सत्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी नसीहत दी है कि हुड़दंग करने से बाज आए ऑपोजिशन के सांसद। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री का साफ कहना है कि आप विरोध कीजिए, आप हमारी नीतियों का विरोध कीजिए, सरकार की गतिविधियों पर विरोध कीजिए, जमकर तीखी से तीखी बहस में आप शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सिर्फ हुड़दंग करना, पार्लियामेंट को स्टॉल करना, संसद नहीं चलने देना, प्ले कार्ड लेकर आना, ये जो गतिविधियाँ हैं इनसे संसद की गरिमा कमज़ोर होती है। और उनका साफ तौर पर आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने कहा कि आप तीखी से तीखी बहस करें, तीखे से तीखी आलोचना करें, उसको जनता याद रखती है, लेकिन सिर्फ जो हड़दंग करते हैं उसको कोई याद नहीं रखता। इसलिए उन्होंने कहा कि जो अभी समय है, आप आत्मनिरीक्षण का समय है, आत्मावलोकन का समय है विपक्षी सांसदों का, और अब इस सदन में, आखिरी सदन में, आखिरी संसद के सदन में लेकर वो आए और अपने बढ़िया से बढ़िया भाषण दें, क्रिटिकल एनालिसिस करें, तीखी आलोचना करें, इसका स्वागत है, लेकिन सिर्फ हंगामा करेंगे तो वो ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया इससे ठीक पहले, समीर मैं आपको बताऊं कि कल सरकार की तरफ से एक गुडविल जेस्चर के तौर पे जो 14 सांसद सस्पेंड किए गए थे उनकी बहाली भी कर दी गई थी, और आज वो 14 सांसद इस सदन में हिस्सा लेंगे, इस संसद में हिस्सा लेंगे। लेकिन तो कुल ईडी को लेकर पहल जरूर कर रही है, ईडी की कार्रवाई को लेकर विपक्ष हमेशा से हमने देखा है सदन में हंगामा करता रहा, और इस बार तो लगातार ईडी की तरफ से कुछ कार्रवाइयां होती रही हैं। आप क्या देख पा रहे हैं, विपक्ष के नेता या सांसद क्या कह रहे हैं इसको लेकर, ये विषय क्या इस बजट सत्र में भी एक विवाद का विषय बनकर उभरेगा? देखिए, अब विपक्ष की क्या रणनीति है ये अभी देखना होगा, उनकी बैठक चल रही है, लेकिन ये जरूर है कि ये चूंकि आखिरी सत्र है और इसमें सिर्फ दो ही मुख्य काम होने वाले हैं, एक तो राष्ट्रपति का अभिभाषण है और उसके बाद बजट पेश होगा, और यही दो काम हैं। तीन तीन दिन का समय अलॉट किया गया है और कुल 8 सीटिंग 9 दिनों में होना है, तो कुल मिलाकर ये संसद में विपक्ष का क्या रहेगा रुख ये आज उनके बैठक में तय होगा। लेकिन हाँ, जिस तरह से ईडी का उपयोग हो रहा है, जिस तरह से ईडी विपक्ष के लोगों के ऊपर छापेमारी कर रही है और जिस तरह से विपक्ष उसको लेकर सरकार पर हमलावर है, तो कुल मिलाकर ये देखने में जरूर लग रहा है कि हो सकता है कि विपक्ष हंगामा करे, हो सकता है कि विपक्ष हमलावर रहे एक बार फिर सरकार पर, और इसके चलते हंगामा भी हो। विपक्ष अपनी रणनीति बना रहा है, लेकिन विपक्ष को नसीहत देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है एक बार फिर सुनते हैं।
2024 के वर्ष का राम राम कि जिनको आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी माननीय सांसद आज जब आखिरी सत्र में मिल रहे हैं तब जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे कि 10 साल में उन्होंने जो किया अपने संसदीय क्षेत्र में भी 100 लोगों को पूछ ले, किसी को याद नहीं होगा, किसी को नाम भी पता नहीं होगा जिन्होंने इतना हुड़दंग हो हल्ला किया होगा। लेकिन विरोध का स्वर तीखा क्यों ना हो, आलोचना तीखी से तीखी क्यों ना हो, लेकिन जिसने सदन में उत्तम विचारों से सदन को लाभान्वित किया होगा, उनको बहुत बड़ा वर्ग आज भी याद करता होगा। आने वाले दिनों में भी जब सदन की चर्चाएं कोई देखेगा तो उनका एक एक शब्द इतिहास की तवारीख बनकर के उजागर होगा।